वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के मुंह पर थूक फेंको, उन्हें जूता का माला पहनाओ, तो इस बात का सही जवाब जगदा बाबू दे सकते हैं जो उनके अध्यक्ष हैं। बिहार सरकार में बैठे मुख्यमंत्री नक्सली हैं कि जेडीयू के मंत्री नक्सली हैं कि आरजेडी के मंत्री नक्सली हैं या डिप्टी सीएम नक्सली हैं, ये क्लियर करना पड़ेगा। नक्सली तो इसी में से कोई है, या तो मुख्यमंत्री जी नक्सली हैं या डिप्टी सीएम नक्सली हैं, कांग्रेस के जो भी गठबंधन के लोग हैं उसमें से नक्सली आखिर हैं कौन? अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, किसी मंत्री विधायक सांसद मुख्यमंत्री जी का कुछ नहीं चलता, वो अपने हिसाब से अधिकारी समझा करके सरकार चलाते, तो आज उन्हीं के विधायक का गुस्सा फूटा है। कुल सच्चाई बोल रहे हैं, पोल खोल नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, जो सच्चाई है वो निकाल रहे हैं, दिल का भड़ास निकाल रहे हैं। ये डर कहां है वो खुद बोल रहे हैं, जो डरता है वही बैमे करता है, ये भूक रहा है ना भाई नड्डा जी के इस प्रदेश के। हमारा यहाँ मजबूत दल है तो वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे ही, जब जब हमारे केंद्रीय नेता आते हैं तीनों की बेचैनी छूटने लगती है, ये लोग परेशान होते रहते हैं और डरे हुए खुद हैं, दूसरे का डर बताते हैं। गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होता, आप गठबंधन भेड़ियों का गठबंधन बना लेंगे तो शेर का क्या बिगाड़ेंगे, ये भेड़ियों का गठबंधन है। राजद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को इशारों में ही धो दिया। उन्होंने कहा है कि दल बदलते हैं, दिल बदलते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं बदलते। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक हैं नीरज बबलू। किस रूप में देख रहे हैं इसको, जिस तरह से जो है अब नीतीश कुमार पे वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में महाघमासान है, ये हम लोग पहले से कहा करते हैं, और अधिकारियों का किस तरह का बोलबाला है वो हम लोग पहले से बोलते रहते थे कि भाई अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, किसी मंत्री विधायक सांसद मुख्यमंत्री जी का कुछ नहीं चलता, वो अपने हिसाब से अधिकारी समझा करके सरकार चलाते, तो आज उन्हीं के विधायक का गुस्सा फूटा है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के मुँह पर थूक फेंको, उन्हें जूता का माला पहनाओ, तो इस बात का सही जवाब जगदा बाबू दे सकते हैं जो उनके अध्यक्ष हैं। जगदाऊ से पूछना चाहिए कि भाई आपके दल में हो क्या रहा है, ये किसको कह रहे हैं, आखिर नक्सली ये किसको कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को नक्सली कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार में बैठे लोग नक्सली, कुर्सी पे बैठे लोग बिहार सरकार में बैठे मुख्यमंत्री नक्सली हैं कि जेडीयू के मंत्री नक्सली हैं कि आरजेडी के मंत्री नक्सली हैं या डिप्टी सीएम नक्सली हैं, ये क्लियर करना पड़ेगा। नक्सली तो इसी में से कोई है, या तो मुख्यमंत्री जी नक्सली हैं या डिप्टी सीएम नक्सली हैं, कांग्रेस के जो भी गठबंधन के लोग हैं उसमें से नक्सली आखिर हैं कौन, ये तो राज्य को पता चलना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं। मुझे आरोप भी हो सकता है सही हो, लेकिन ये क्लियर होना जरूरी है कि नक्सली है कौन, नक्सली का पता करना जरूरी है। और बिहार की सरकार, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अपराधियों के सामने घुटना टेक दी है, माफियाओं के सामने घुटना टेक दी है, अब तो उनके दल के विधायक के सामने घुटना टेक रही है सरकार की। ये लग रहा है ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं, पोल खोल नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, जो सच्चाई है वो निकाल रहे हैं, दिल का भड़ास निकाल रहे हैं। तब इस सच्चाई का जवाब इनको देना चाहिए, महागठबंधन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आपके विधायक इस तरह के बोल रहे हैं तो आप ही जवाब दीजिए। अब हम लोग क्या जवाब दें, हम लोग तो पहले से कहते थे जो हाल है वो बताते थे, अब उनके विधायक उसकी पुष्टि कर रहे हैं तो उनका जवाब लेना चाहिए उन लोगों से। एक और जो है तेजस्वी यादव सभा करते हैं और वो कह रहे हैं कि नड्डा जी बार बार आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, अब मोदी जी भी आएंगे, वो लोग इतने डर गए हैं बिहारियों से और खास करके लालू यादव से डरे हुए हैं। देखिए, ये डर कहाँ है वो खुद बोल रहे हैं, जो डरता है वही बैमे करता है, ये भूक रहा है ना भाई नड्डा जी के इस प्रदेश के। हमारा यहाँ मजबूत दल है तो वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे ही, अमित शाह जी आएंगे ही, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे ही और बराबर आते रहते हैं, साल भर में उनका प्रोग्राम होते रहता है, 6 महीने पर उनका प्रोग्राम होते रहता है, तो उनके प्रोग्राम से इनको बेचैनी क्यों है, उनके आने से इनका जमीन क्यों खिसक रहा है? क्योंकि जब वो आते हैं तो सरकार की सच्चाई बताते हैं और सरकार की क्या स्थिति है वो बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कौन सा काम कर रही है वो बताते हैं, तो इस काम के वजह से इनका कलेजा फटता है कि सारा समर्थन तो भाजपा की तरफ जा रहा है, एक एक करके सारे लोग भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए इन लोगों का कलेजा फटता है, इसलिए लोग बेचैन होते हैं। जब जब हमारे केंद्रीय नेता आते हैं तीन लोगों की बेचैनी छूटने लगती है, ये लोग परेशान होते रहते हैं और डरे हुए खुद हैं, दूसरे का डर बताते हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, बीजेपी तो इस कदर डर गई कि उन्हें डर सताने लगा कि 40 में 40 सीट चली जाएगी अब बिहार से।
यहाँ पर जैसे उनका पहले पूरी तरह सफाया हुआ था, आरजेडी के पास कितना सांसद है? जीरो। और आगे भी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जीरो रहेगा, इसलिए जो गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होता। अब गठबंधन भेड़ियों का गठबंधन बना लेंगे तो शेर का क्या बिगाड़ेंगे, ये भेड़ियों का गठबंधन है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी को मानने तैयार नहीं। नीतीश कुमार जी गए थे प्रधानमंत्री बनने, क्या हुआ? प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, संयोजक नहीं बनाया। अब इसके दूल्हा कौन है अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। अब जब आपस में मार फंसा हुआ है, लालू यादव ने तो कह दिया ना कि राहुल गांधी, लालू यादव जी कह दिए, बाकी दल कहाँ कह रहे हैं? लालू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी दूल्हा हैं। अब बाकी लोग कोई मान ही नहीं रहे, नीतीश कुमार जी मान ही नहीं रहे कि हमको नहीं बनावेगा तो हम क्या करेंगे। तो पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं सबके अंदर महत्वाकांक्षा है कि हम ही बन जाए प्रधानमंत्री। केसीआर हैं, जो और हैं, कितने लोग हैं, केजरीवाल भोंक रहे हैं अलग से कि हमको मान लो प्रधानमंत्री, हमारा दो स्टेट है। कई ममता बनर्जी भोंक रही है कि हमको मान लो। ऐसे कई नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन कहीं कोई तालमेल नहीं है। और प्रधानमंत्री मुंह से थोड़े बनता है, गठबंधन बनाने से प्रधानमंत्री बन, जनता जिसको चुनेगी प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और जनता के दिल में मोदी बसे हुए हैं, पूरे देश के लोग मोदी 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 कर रहे हैं। तो पुनः मोदी जी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक नीरज बलूच, जिन्होंने कहा है कि फिर से मोदी ही बनेगा, क्योंकि जनता जो चाहती है उसे ही बनाती है, यानी फिर से जो है मोदी को ही जनता चुन लिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।